आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में भक्तिकाल के बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। बीए के एग्ज़ाम में भक्तिकाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन हम भक्तिकाल से रिलेटेड जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए हैं, तो पहले तो मैं अपने न्यू चैनल का इंट्रोडक्शन करा दूं। मैंने एक नया चैनल ओपन किया, जहां पर आपको बिग न्यूज़ और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। मॉर्निंग में मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ होंगे और बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। तो नया चैनल मैंने क्रिएट किया अभी जल्दी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, हिंदी न्यूज़ न्यू चैनल के नाम से। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपके अपनी वेबसाइट है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, इन सभी की PDF और पूरा जितने भी क्वेश्चन है ये मैं वेबसाइट पे डाल देता हूँ, तो PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है आज के वीडियो में, जो पहला क्वेश्चन है वो भक्तिकाल की समय सीमा का निर्धारण कीजिए, ठीक है। तो नंबर एक है संवत 1400-1480, और बी नंबर है संवत 1375-1700, और सी नंबर है संवत 1350-1600, डी नंबर है संवत 1642-1550। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। संवत 1375-1700 तक भक्तिकाल का जो समय सीमा है वो निर्धारण किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सूरदास जी किस महाकवि के वंशज माने जाते हैं। नंबर एक रहीमदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर कबीरदास, डी नंबर चंद्रवरदाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, चंद्रवरदाई। डी नंबर हो जाएगा चंद्रवरदाई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भंवर गीत के रचयिता कौन थे। नंबर एक गुलाब राय, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर नंददास, डी नंबर मीरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर नंददास, ठीक है। भंवर गीत ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, राइट आंसर हो जाएगा नंददास, ठीक है, भंवर गीत के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृष्ण भक्त ने 42 ग्रंथों की रचना की। नंबर एक रसखान, बी नंबर मीरा, और सी नंबर है ध्रुवदास, और डी नंबर है नंददास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नंददास जी ने 42 ग्रंथों की रचना की है, ठीक है, जो कि कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है। प्रेम भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो मीराबाई की भक्ति है वो है माधुर्य भाव, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, माधुर्य भाव। समझ लीजिएगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप लोग प्रेम भाव पे क्लिक कर दे, लेकिन हो जाएगी माधुर्य भाव, राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है। नंबर एक मान मंजरी, बी नंबर रस मंजरी, और सी नंबर है रास पंचाध्यायी, और डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रास पंचाध्यायी सिलेक्ट कर लीजिएगा, रास पंचाध्यायी। जिन स्टूडेंट को लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत में कौन सा रस है। नंबर एक वियोग श्रृंगार, बी नंबर शांत रस, और सी नंबर है वात्सल्य, डी नंबर है संयोग श्रृंगार, और
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। वियोग श्रृंगार, भ्रमर गीत में वियोग श्रृंगार रस है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कवित्त रत्नाकर, ठीक है, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो नंबर एक है नाभादास, और बी नंबर है देव, सी नंबर है सेनापति, डी नंबर है भूषण। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेनापति, कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद किसकी कृति है? नंबर एक रहीमदास, बी नंबर कबीरदास, सी नंबर विष्णुदास, डी नंबर नाभादास। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विष्णुदास, ठीक है। वाल्मीकि रामायण का हिंदी जो कृति है वो विष्णुदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आल वार भक्तों की संख्या कितनी है? 8, 12, 7, 15। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? नंबर एक मारिफत, बी नंबर नाद, सी नंबर समाधि, और डी नंबर है प्रोक्त में कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, मारिफत। ये आपका शब्द जो है ना संत काव्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? नंबर एक है विभूत, बी नंबर शांत, सी नंबर वीर, डी नंबर श्रृंगार। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, शांत रस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन संत नहीं है? नंबर एक दादू दयाल, बी नंबर कबीर, सी नंबर मीराबाई, डी नंबर सुंदरदास। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मीराबाई, मीराबाई एक संत कवि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्तिवास रामायण किस भाषा में है? नंबर एक बांग्ला, बी नंबर हिंदी, सी नंबर तमिल, और डी नंबर है मराठी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, बंगला में है। कृत्तिवास रामायण की जो भाषा है वो बंगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ठीक है, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? नंबर एक रामायण, बी नंबर कृष्णलीला, और सी नंबर है महाभारत, डी नंबर है वेद। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, महाभारत, नल दमयंती आख्यान महाभारत का ग्रंथ है या उसी में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है? नंबर एक महादेवी वर्मा, बी नंबर महावीर प्रसाद, सी नंबर निराला, डी नंबर मैथिली शरण गुप्त। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त साकेत की रचना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, साकेत मैथिली शरण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नंबर एक रामानंद, बी नंबर कबीर, सी नंबर अज्ञे, डी नंबर रहीम। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, रामानंद जी रामावत संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामाष्टयाम के रचयिता कौन है? नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर रसखान, सी नंबर कबीरदास, डी नंबर है अग्रदास। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, अग्रदास, अष्टयाम के रचयिता अग्रदास जी हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंगद पैच किसकी रचना है? नंबर नंबर एक है ईश्वरचंद, बी नंबर है राम सिंह, और सी नंबर ईश्वरदास, और डी नंबर है राघोदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ईश्वरदास, अंगद पैच ईश्वरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? नंबर एक वाय पुराण में, बी नंबर भगवत पुराण में, सी नंबर विष्णु पुराण में, और डी नंबर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी, ठीक है। राम कथा का जो अंश है वो इन सभी पुराणों में है, यानी कि वायु पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण, ठीक है, इन तीनों में है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रामानंद के गुरु का क्या नाम था? नंबर एक नरिहरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर कबीरदास, और डी नंबर है राघवानंद। तो आई होप आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राघवानंद, रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। अगला क्वेश्चन है, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखा गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। नंबर एक फारसी, बी नंबर तमिल, और सी नंबर तेलुगु, और डी नंबर है उड़िया। तो जो भास्कर रामायण है वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है, राइट आंसर इसलिए हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अष्टछाप में कितने कवि हैं? नंबर एक 88, बी नंबर 18, सी नंबर 8, और डी नंबर है 58। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको जानना 100% जरूरी है, और आई होप आप लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन है? नंबर एक ताड़कावत, बी नंबर चित्रकूट प्रसंग, सी नंबर है रावणवत, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो राम कथा का मार्मिक प्रसंग है वो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, चित्रकूट प्रसंग, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर से, बी नंबर हो जाएगा चित्रकूट प्रसंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी? नंबर एक मनु ने, बी नंबर नारद ने, सी नंबर ब्रह्मा ने, डी नंबर गणेश ने। तो जो ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा है नारद जी ने दी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, नारद ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि अष्टछाप, ठीक है, में कुल कितने कवि हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो नंबर एक है 1388, और बी नंबर है 1452, सी नंबर है 1585 और 1485, और डी नंबर है 1565। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 1565 में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 84 वैश्वर्णन की वार्ता के रचयिता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, 84 वैश्वर्णन की वार्ता की बात हो रही है, तो इसके रचयिता कौन है? नंबर एक सूरदास, बी नंबर नाभादास, सी नंबर गोकुलनाथ, और डी नंबर है भारतेंदु। तो जो 84 वैश्वर्णन की वार्ता है उनका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके रचनाकार हैं श्री गोकुलनाथ जी, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन ये है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्त साहित्य की रचना की? तो नंबर एक क्वेश्चन है शेख निसार, बी नंबर रहीमदास, सी नंबर रसखान, और डी नंबर है तानसेन, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, रसखान ने, जो कि मुसलमान कवि थे, उन्होंने कृष्ण भक्त साहित्य की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? नंबर एक रामानंद, बी नंबर नरिहरदास, और सी नंबर है कबीर, डी नंबर है वल्लभाचार्य। तो जो सूरदास जी के गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सूरदास के गुरु कौन थे।
तो वल्लभ आचार्य जी थे। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? निम्न में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? नंबर एक तुलसीदास, बी नंबर है नंददास, सी नंबर विट्ठलदास और डी नंबर है सूरदास। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ठीक है, विट्ठलनाथ, ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य विट्ठलनाथ जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन है, रामानंद के कितने शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है? तो रामानंद के कितने गुरुओं का जो उल्लेख है भक्तमाल में मिलता है? नंबर एक 20, बी नंबर है 12 और सी नंबर 17, डी नंबर है 10। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, 12 शिष्यों का उल्लेख भक्तमाल में मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा, जिसका मैंने आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन करा दिया था, sandeepinfo.com वेबसाइट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से सारे क्वेश्चन आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे वेबसाइट पे वे वर्किंग चल रही है, मैं उस पे वर्क कर रहा हूँ, तो हो सकता है अभी आप लोगों को कुछ टाइम ना दिखे, लेकिन एक दो दिन में आप लोगों को दिखने लगेगा, ठीक है। तो बस यही आप लोगों तक क्वेश्चन प्रोवाइड करने थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना चाह रहे तो बेशक पूछ सकते हैं। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।